लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी कैप की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। आज हम बहुत ही सुंदर सा बेबी कैप बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है और ये न्यूज़पेपर लिया है। सबसे पहले मैं कटिंग आपको न्यूज़पेपर पे करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हैं। हम आज 1 से 1.5 साल के बच्चे का बेबी कैप बनाएंगे, यानी बच्चों का जो टोपा होता है, हल्की सर्दी में हम उन्हें पहना सकते हैं। तो 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए हमें जो लंबाई चौड़ाई चाहिए उसकी 13 इंच चाहिए, और हमें वो गोलाई में लेना होता है। तो इसलिए मैंने 13 इंच की ये थाली ले ली है। इस थाली से हम ईज़िली गोलाई कर लेंगे और इसको इस तरह से हमने न्यूज़पेपर पर रख कर और निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरह से गोलाई कर लेंगे हम। अब इसे हटा देंगे। ये ध्यान रखना है कि हमने एक कोने की तरफ से ही गोलाई की है। इसको काट देंगे गोलाई में जो निशान लगाया है, ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम ये जो कोना है, यहाँ से हमें कोना काट कर निकाल देना है। तो ये हम चौड़ाई अपनी 11 लेंगे। 1 से 1.5 साल के बच्चे की हमने 11 ली है, और छोटा बच्चा है तो उसकी हम 10 या 9 ले लेंगे। बिल्कुल छोटे से बच्चे की 9 ले लेंगे। अब हम ये हमारा न्यूज़पेपर कट चुका है, तो इसको ही हम कपड़े पर रख कर कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इस पर हम इसी तरह से न्यूज़पेपर को रख लेंगे जैसे हमने न्यूज़पेपर काटा था, सेम वैसे ही, और कटिंग कर देंगे हम। चाहें तो हम इसे गर्म कपड़े का भी बना सकते हैं हल्की सर्दी में पहनाने के लिए। ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही हमने काट दिया। अब ये जैसे हमारा है, हमें ये डबल में बनाना होता है टोपा, तो हम इसके जैसा ही एक और काट लेंगे। ये देखिए, सेम इसको रखकर ऐसा ही एक और काट लेंगे हम एक पीस। ये देखिए, हमने 2 पीस कर लिए हैं। अब हम एक को अस्तर मान लेते हैं और एक को ऊपर का हिस्सा। ये हमारा थोड़ा प्लेन लग रहा है, इसके ऊपर मैं नेट लगा देती हूँ ताकि ये कैप हमारा दिखने में अच्छा लगे। इसलिए हम अच्छा सा प्रिंटेड गर्म कपड़ा लेकर उसका भी कैप बना सकते हैं, तो हमें ये नेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम ऊपर गर्म कपड़ा रख लेंगे और नीचे की तरफ हम कॉटन का अस्तर लगाकर भी ईजिली बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने नेट को भी इसी आकार में काट लिया है। अब मैं सबसे पहले नेट को और जो नेट के नीचे कपड़ा है, इसको मैं पहले जोड़ लेती हूँ एक सिलाई से। ये देखिए, इन दोनों को मैं एक सिलाई से जोड़ लेती हूँ। कच्ची सिलाई ही लगाऊँगी मैं, तो ये हम मशीन से भी लगा सकते हैं और हाथ से भी लगा सकते हैं, इस तरह से गोलाई गोलाई में इस सिलाई हमें लगाते चले जाना है। ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है, पूरी गोलाई वाले हिस्से में ही लगाई है। अब हम ये जो हमने अस्तर के लिए कपड़ा लिया था, इसको रख कर सेम ऐसी ही सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई भी हम कच्ची लगाएंगे क्योंकि इस सिलाई से हम धागा खींच कर प्लेट डालने वाले हैं, ऐसे ही गोलाई वाले हिस्से में। ये देखिए, हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हमें एक तरफ से धागा खींचना है और इसमें प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। हल्के हाथ से डालनी होती हैं हमें ये, तेज़ हाथ से खींचने पर धागा टूट सकता है। ये देखिए, इस तरह से हमें धागा खींचकर प्लेट गोलाई में भर लेनी होती हैं। ये देखिए, गोलाई में हमें जब हम प्लेट्स डालते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसको अब हम नाप लेंगे। ये हमें बच्चे के फेस पे ही रखना होता है ये हिस्सा, तो ये हमें रखना है 12 इंच। तो अब हम दोबारा से नापेंगे कि ये हमारा 12 इंच आ रहा है या नहीं। कि देखिए, हमें एक पट्टी लगानी है इसमें, तो ये देखिए हमारा पूरा 12 इंच आ रहा है। अब हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी ये जो चुने पड़ी हुई हैं, प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ये बिगड़े नहीं। ऐसे लगाते चले जाएंगे सिलाई।
तरह से पूरे में लगा लेंगे। ये देखिए, अब हमें एक पट्टी काटनी है, प्लेन पट्टी जो हमें आगे इस पे लगानी है। तो इस कपड़े की लगाएंगे हम, चाहें तो सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग कलर यूज़ कर रही हूँ। ये पट्टी हमें 2.5 इंच रखनी है और लंबाई तो मैंने आपको बताई थी 12, क्योंकि हमने 12 इंच में ही चुने डाली हैं, तो 12 इंच ले लेंगे और 2.5। इस तरह से सीधी पट्टी काट लेंगे हम बिल्कुल इस तरह से, और इस पट्टी को हम टोपे की उल्टी साइड रखेंगे। ये देखिए, टोपे की उल्टी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। पक्की सिलाई लगानी है हमें, ये इस तरह से सिलाई लगानी है कि ये हमारा पूरा इसमें एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, कैप में पट्टी लग चुकी है हमारी और बिल्कुल सही बैठी है ये पट्टी। अगर कभी ऐसा होता है कि पट्टी हमारी छोटी बैठती है, तो हम 1-2 चुन एक्स्ट्रा डालकर उसको पूरा कर देते हैं। और अब हम इसको ऊपर की तरफ पलटेंगे, उल्टी तरफ से हमने ये लगाई है, सीधी तरफ इसको पलट देंगे इस तरह से पट्टी को, और सिलाई लगाते चले जाएंगे। बस सिलाई सिलाई छुपानी होती है हमें, और इस तरह से हम इस बढ़वा पट्टी को लगाते चले जाएंगे, पलट लेंगे इसको। उल्टी तरफ से लगाकर सीधी तरफ पलट रहे हैं हम इसको, और ऐसे ही हम पूरे इसके आगे के हिस्से में लगा देंगे, टोपे के आगे के हिस्से में। और ये देखिए, जो हिस्सा हमारा कैप का फेस पे आना है, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हमें पट्टी लगानी है कैप के नीचे वाले हिस्से पे, जो हिस्सा हमारा गर्दन पे आना है, नेक पे आना है पीछे। तो सबसे पहले उसको इस तरह से हम डबल करके कुटका लगा लेंगे, और अब हम इसमें पट्टी काटेंगे। इसमें से 1.5 इंच की पट्टी काटनी है हमें, ये 24-25 इंच लंबी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5 इंच की कटिंग करनी है। ये देखिए, पट्टी काट ली है, और कम से कम 7-8 इंच पट्टी को एक तरफ से निकालेंगे हम। उसके बाद हम बीच में इसको सिल देंगे, और जहाँ हमने कुटका लगाया हुआ है, वहाँ पर हम 2 प्लेट डालेंगे। 2 प्लेट डालनी है हमें इसमें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। ये देखिए, इस तरह से 2 प्लेट डालकर आगे तक ऐसे ही सिल देंगे। ये देखिए, ये पट्टी हमने दोनों तरफ बचाई है। देखिए, हमारी प्लेट डल चुकी है, और ये प्लेट हमारी कैप के बीच में आनी चाहिए। अब हम इस पट्टी को पलट देंगे, तो इसको किस तरह से पलटना है हमें, देखिए, दोनों साइड से हम मोड़ेंगे इस तरह से, मोड़कर और एक बार और इसके ऊपर डबल करेंगे, और ऊपर का हिस्सा हम थोड़ा सा बढ़ा कर रखते हैं पीछे की तरफ। देखिए, इस तरह से निकाल कर रखेंगे ऊपर का हिस्सा, ताकि सिलते वक्त हमारे इसमें कैप की जो पट्टी है, इसमें झोल ना आए किसी तरीके की। और इस तरह से हम सिलते चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई करते चले जाएंगे हम पूरे हिस्से में। ये देखिए, ये पट्टी भी हमारी बढ़वा ही लग रही है, उल्टी तरफ से लगकर सीधी तरफ को मुड़ रही है, और सिर्फ सिलाई सिलाई हमने इसमें छिपाई है। तो ये देखिए, हमारी ये पट्टी लग चुकी है, और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये कैप बन चुका है, जिसे हम 1 से 1.5 साल के बच्चे को पहना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। इसमें हम नीचे फुन्ने लगाकर तैयार कर सकते हैं, और बच्चों को हम हल्की सर्दी में पहना सकते हैं इसको, और ऊनी कपड़े का सिलकर हम ज़्यादा सर्दी में भी पहना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें फुन्ने लगा लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत कैप हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट